हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आस्था आईएएस के फुल सिलेबस टेस्ट वन के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर वन, मलाबार सैन्य अभ्यास के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को हमें चुनना है। यहां पे क्वाड सदस्य देशों भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के बीच यह अभ्यास प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है। ये सही है। 2022 में इस अभ्यास का आयोजन जापान के मेजबानी में किया गया। ये भी सही है। 2023 में इस अभ्यास का आयोजन भारत के मेजबानी में किया जाएगा, नहीं ऑस्ट्रेलिया के मेजबानी में किया जाएगा। ये गलत है। यह अगस्त में होगा, तो अगस्त 2023 में ऑस्ट्रेलिया में होगा, तो ये गलत है। 2023 में इस अभ्यास का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के मेजबानी में किया जाएगा, ये सही है। तो इसमें से गलत कौन सा है? सी ऑप्शन गलत है। सो राइट ऑप्शन सी होगा। प्रवासी भारतीय दिवस के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यह दिवस प्रत्येक 2 वर्षों पर 9 जनवरी को मनाया जाता है। ये सही है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 को इंदौर भोपाल में मनाया गया। ये भी सही है। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ थे। नहीं, प्रवीण जगन्नाथ नहीं थे, गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि थे। तो ये गलत है। गांधी जी का अफ्रीका से भारत आने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये सही है। तो सी गलत हो जाएगा। राइट ऑप्शन सी। भारत का 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किया गया। ये सही है। साझेदार राज्य रहे बिहार, झारखंड एवं महाराष्ट्र थे। ये सही है। फोकस राज्य केरल एवं उत्तर प्रदेश रहे। ये सही है। श्रेष्ठ राज्य बिहार रहा, नहीं ये गलत है। सो राइट ऑप्शन डी होगा। हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला बांस बैरियर लगाया गया है? तो ये भारत में महाराष्ट्र के एक हाईवे पे लगाया गया है। सो राइट ऑप्शन बी होगा। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी है? शालिजा धामी बनी है। राइट ऑप्शन बी होगा। पटना जिला में स्थित किस गाँव के पीतल उद्योग को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के तर्ज पर विकसित करने की योजना बनाई गई है? परेब गाँव को। राइट ऑप्शन ए होगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाले पहले एशियाई कौन बने हैं? तो अश्विनी के पी अश्विनी, डॉक्टर के पी अश्विनी। राइट ऑप्शन ए होगा। इस मुकाम तक पहुंचने वाली यह सिर्फ पहली भारतीय हैं, बल्कि एशिया की एकलौती महिला भी हैं। यानी इस मुकाम तक पहुंचने वाली पहली भारतीय तो ये बनी ही है, साथ ही एशिया की पहली महिला भी बनी है इस मुकाम तक पहुंचने वाली। पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए विशाल स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी फितूर किस देश में जनवरी 2023 में आयोजित हुई? स्पेन में आयोजित हुई थी। राइट ऑप्शन बी होगा। तेलुगु फिल्म RRR के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके गाने नाटू नाटू ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता। ये सही है। नाटू नाटू गाने के लिए फिल्म क्रिटिक्स चॉइस पुरस्कार 2023 जीता। ये भी सही है। RRR को ऑस्कर अवार्ड 2023 के लिए विदेशी भाषा संवर्ग से नामित किया गया है। नहीं, विदेशी संवर्ग भाषा के लिए नहीं, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग्स के लिए। तो ये गलत है। तीसरा गलत है। 1, 2 सही है। तो केवल 1 एवं 2। राइट ऑप्शन ए होगा। हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान बना है। राइट ऑप्शन बी होगा। हाल ही में जारी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य के स्कूली बच्चों का गणित एवं अंग्रेजी की क्षमता में अत्यधिक सुधार हुआ है? बिहार के। राइट ऑप्शन सी होगा। 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई? तो यह वर्चुअल रूप से बैंकॉक में आयोजित हुई थी। राइट ऑप्शन सी होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा भूल भुलैया उद्यान और मियावाकी वन का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुजरात के एकता नगर में। राइट ऑप्शन बी होगा। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू किस देश की सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने वाले मोहम्मद अब्दुल हामिद का स्थान लेंगे? बांग्लादेश के। राइट ऑप्शन ए होगा। हाल ही में मिसेज इंडिया 2023 के लिए किसे चुना गया है? ज्योति अरोड़ा नहीं, मानुषी छिल्लर इनको भी नहीं, खुशी पटेल इनको भी नहीं, नंदिनी गुप्ता, राजस्थान की रहने वाली नंदिनी गुप्ता को। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। हाल ही में वकीलों की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता संरक्षण कानून लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है?
राजस्थान बना है, राइट ऑप्शन बी होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली हाट की तर्ज पर किस जिले में मिथिला हाट का लोकार्पण किया है? मधुबनी में, राइट ऑप्शन ए होगा। हाल ही में 2023 की दुनिया के महानतम स्थानों के टाइम सूची में निम्न में से किन दो भारतीय स्थानों को शामिल किया गया है? मयूरभंज और लद्दाख को शामिल किया गया है, राइट ऑप्शन बी होगा। वर्ष 2023 में बिहार के किन हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित नहीं किया गया है? तो आनंद कुमार को सम्मानित किया गया, कपिल देव प्रसाद को भी, सुभद्रा देवी को भी, दरोगा राय को सम्मानित नहीं किया गया, सो राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बीबी माई स्टोरी, इसके लेखक बेंजामिन नेतन्याहू हैं, ये सही है। टॉम्ब ऑफ सैंड, इसके लेखक गीतांजलि श्री हैं, ये भी सही है। होम इन दी वर्ल्ड, इसके लेखक अमर्त्य सेन हैं, ये भी सही है। अनबाउंडेड, इसके लेखक गुलाम नबी आज़ाद नहीं है, अभियानंद है इसके लेखक, तो ये गलत है, राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 76वें सत्र में यूएनओ अध्यक्ष अब्दुल्ला साहिद, ये सही है। WTO के महानिदेशक टेड्रोस अघानोम, ये भी सही है। IMF के प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, ये भी सही है। विश्व बैंक के प्रमुख अजय बंगा प्रमुख तो होंगे लेकिन इनका कार्यकाल शुरू होगा 2 जून 2023 से, तो इसलिए ये सही सुमेलित नहीं लग रहा है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? जो बाइडेन 46वां राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, ये सही है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री हैं, ये भी सही है। ऋषि सुनक ब्रिटेन के 97वें प्रधानमंत्री हैं, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी सही है, राइट ऑप्शन डी होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस वर्ष तक हर खेत में सिंचाई निश्चित योजना को पूरा करने का निर्देश दिया गया है? 2025 तक, राइट ऑप्शन बी होगा। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सर्वोच्च रैंकिंग वाला भारतीय संस्थान बन गया है? तो भारत में सर्वोच्च रैंकिंग वाला जो संस्थान है, भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन स्कूल ऑफ साइंस बेंगलुरु है, राइट ऑप्शन ए होगा। इसके बाद में है दूसरे स्थान पर IIT बॉम्बे और तीसरे स्थान पे है IIT दिल्ली। यदि पूरे वर्ल्ड की बात किया जाए तो वर्ल्ड में सबसे फर्स्ट स्थान पे है MIT, लगातार 11वें साल तक कंटिन्यूसली वो फर्स्ट स्थान पे कायम है। दूसरे स्थान पर है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और तीसरे स्थान पर है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, तो इसमें से राइट ऑप्शन ए होगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन वर्ष 2023 में भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो ये मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा, मुंबई, राइट ऑप्शन बी होगा। संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2005-6 और 2019 से 21 के बीच भारत के कितने लोग गरीबी के बाहर आए हैं? तो लगभग 415 मिलियन लोग, यानी लगभग 41 करोड़ लोग, राइट ऑप्शन सी होगा। 22 मार्च 2023 को बिहार अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 111वां स्थापना दिवस मनाया है, राइट ऑप्शन बी होगा। 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से हटकर एक स्वतंत्र राज्य बना था, और इस तरीके से हम देखें तो 22 मार्च 1912 से लेकर के 22 मार्च 2023 तक कुल 111 साल पूरे हो चुके हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने श्री सीधा रोड रेलवे स्टेशन पर 1.5 किलोमीटर लंबे विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफार्म का किस स्थान पर उद्घाटन किया है? कर्नाटक के हुबली में, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? तो वो हैं CPM के पूर्व राज्यसभा सांसद TK रंगराजन, राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? लद्दाख के राज्यपाल ब्रिगेडियर BD मिश्रा बने हैं, ये सही है। बिहार के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बने हैं, ये भी सही है। असम के गुलाब चंद्र कटारिया बने हैं, ये भी सही है। तो उपर्युक्त सभी सही, राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में नाटो का सबसे नवीनतम सदस्य कौन है? फिनलैंड बना है, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से असत्य कथन या कथनों की पहचान कीजिए। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ये सही है। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, ये सही है। संसदीय सरकार को सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप भी कहा जाता है, ये सही है। तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है, सो उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा।
निम्नलिखित में से किस अधिकार का संबंध अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? तो अनुच्छेद 21 के दायरे में आने वाले जो कुछ अधिकार हैं वो हैं मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार, आजीविका का अधिकार, एकांतता का अधिकार, मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार, चिकित्सा सहायता का अधिकार, सरकारी अस्पताल में समय पर इलाज का अधिकार, प्रदूषण मुक्त पानी और हवा सहित एक सभ्य वातावरण का अधिकार और खतरनाक उद्योगों से सुरक्षा, स्वास्थ्य का अधिकार, आश्रय का अधिकार, ये कुछ हैं। तो पानी की गुणवत्ता का, कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न का, एक चिकित्सक द्वारा घायलों को चिकित्सकीय सहायता, ये सभी शामिल हैं। मृत्यु दंड शामिल नहीं है। अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, तो मृत्यु दंड इससे संबंधित नहीं है। सो राइट ऑप्शन ए होगा। लोक नियोजन के मामले में अवसर की समानता का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 16 से है। राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन साधारण बहुमत द्वारा संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत नहीं आता है? तो संवैधानिक साधारण बहुमत द्वारा संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत आने वाले जो प्रावधान हैं वो हैं नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नाम में परिवर्तन, अनुच्छेद 3 के तहत नागरिकता प्राप्ति और समाप्ति, अनुच्छेद भाग 2 के तहत राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण, अनुच्छेद 169 के तहत संसद में कोरम, अनुच्छेद 100 और आधिकारिक भाषाओं का प्रयोग, ये सब आता है साधारण बहुमत द्वारा संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत। इसमें संघ एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों का वितरण नहीं है। आधिकारिक भाषाओं का प्रयोग ये आता है। राज्य के नीति निदेशक तत्व तो नहीं आता है। संविधान संशोधन नहीं आता है। सो राइट ऑप्शन बी होगा। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है? पंचायत व्यवस्था प्राचीन काल से भारतीय ग्रामीण जीवन का एक अभिन्न अंग रही है, ये सही है। 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ था, ये भी सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243G उसके महत्व को बढ़ाया है, ये भी सही है। पंचायती राज का शुरुआत सबसे पहले मध्य प्रदेश में हुआ था, नहीं, सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला के बगदरी गांव से हुआ था। सो राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्रिमंडल का सही विवरण नहीं है? यह उस समय तक सत्ता में रहता है जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त हो, ये सही है। संसद के बाहर के किसी व्यक्ति को कभी भी मंत्रिमंडल का सदस्य नियुक्त नहीं किया जा सकता है, नहीं, मंत्रिमंडल का सदस्य नियुक्त किया जा सकता है। इसके एग्जांपल हैं एस जयशंकर, जिनको फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया था। हाँ, लेकिन एक बात तय है कि 6 महीने के अंदर या तो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना होता है, लेकिन बाहर से किसी व्यक्ति को मंत्री तो बनाया ही जा सकता है, मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है, तो ये गलत है। यह संसद के प्रति उत्तरदायी है, ये सही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ये सही है। तो निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय मंत्रिमंडल का सही विवरण नहीं है? तो बी सही विवरण नहीं है। राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में कौन या विधान परिषद सदस्य बनने के बारे में सही नहीं है? कौन सा विधान परिषद सदस्य बनने के बारे में सही नहीं है? वह भारत का नागरिक हो एवं कम से कम 30 वर्ष की उम्र का हो, ये सही है। वह भारत या राज्य सरकार के किसी लाभ का पद धारण नहीं किए हुए हो, ये भी सही है। उसका नाम संबंधित राज्य की मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो, नहीं, दर्ज तो होना चाहिए, ये गलत है। विधान परिषद कुल 6 राज्यों में है, ये भी सही है। तो सी गलत है। सो राइट ऑप्शन सी होगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 352। राइट ऑप्शन ए होगा। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो ब्लॉक स्तरीय निकाय, जिला स्तर, ग्राम पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तरीय निकाय। राइट ऑप्शन ए होगा। 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम ग्राम पंचायत, ब्लॉक यानी पंचायत समिति और जिला यानी जिला परिषद स्तर पर त्रिस्तरीय स्थानीय स्वशासन प्रदान करता है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड पंचायत या पंचायत समिति, मध्यवर्तीय स्तर पर यानी खंड स्तर पर और जिला स्तर पर जिला पंचायत। राज्यसभा के प्रतिनिधित्व में शामिल हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, ये सही है। नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य राज्यसभा के प्रतिनिधित्व में शामिल है। नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य राज्यसभा के
प्रतिनिधित्व में शामिल नहीं होते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य शामिल होते हैं, तो इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। आंसर उपयुक्त सभी दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में विनय पिटक एवं सूत पिटक का संकलन हुआ था? तो विनय पिटक एवं सूत पिटक का संकलन प्रथम बौद्ध संगीति में हुआ था और प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे, तो यहाँ पे महाकश्यप होना चाहिए, राइट ऑप्शन डी होगा। कौन सा युग्म सुमेलित है? कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर में है, ये सही है। मालवण ये गुजरात के काठियावाड़ में है, ये भी सही है। अमबखेड़ी ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में है, ये भी सही है। तो इनमें से सभी सुमेलित है, उपयुक्त सभी सही, राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल पाकिस्तान में अवस्थित नहीं है? तो हड़प्पा पाकिस्तान में है, मोहनजोदाड़ो भी पाकिस्तान में है, रोपड़ नहीं है। सो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे, रोपड़ भारत में है, भारत के पंजाब राज्य में। धर्म सुधार आंदोलन के दौरान वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने में निम्न में से किन की भूमिका नहीं है? तो कुमारिल भट्ट की और शंकराचार्य, इन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है, स्वामी विवेकानंद का नहीं है, राइट ऑप्शन सी होगा। वैदिक संहिताओं में उल्लेखित देवीत्मा एवं मातीत्मा शब्द का आशय है? देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि से नहीं, नदियों के नाम से, ऋग्वैदिक काल के त्यौहार से नहीं, उस समय का खेल ये भी नहीं, नदियों के नाम से है, राइट ऑप्शन बी होगा। सभी भक्ति आंदोलन के संतों के मध्य एक सामान्य विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे, ये सही है। स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहित किए, मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किए, मूर्ति पूजा का विरोध किए, इसमें से सही ऑप्शन ए होगा, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। मध्यकालीन इतिहास में दारुल सफा किस विभाग से संबंधित था? तो दारुल सफा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित एक खैराती अस्पताल था, राजकीय अस्पताल, राइट ऑप्शन ए होगा। संगम युग के संदर्भ में टोडी, मुसिरी, कोरकाई, अरिके मेडु और मरकानम क्या थे? महत्वपूर्ण तीर्थस्थल नहीं, छोटे सरदारों की राजधानियां ये भी नहीं, वाणिज्यिक गतिविधि के बंदरगाह हुआ करते थे, राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। इन चारों में से मुसिरी और टोंडी पश्चिम तट पर स्थित थे, जबकि कोरकाई और पुहार ये पश्चिमी तट पर, पूर्वी तट पर स्थित थे। वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, तो वह था चोल्स, राइट ऑप्शन बी होगा, चोल साम्राज्य। सूची एक से सूची दो को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पल्लवों की राजधानी कांची थी, तो ए का टू हो जाएगा, और पांडवों की राजधानी मदुरई थी, तो बी का थ्री हो जाएगा, और यादव वंश की राजधानी जो थी वो थी देवगिरी, तो सी का फोर हो जाएगा, और काकतीय की राजधानी वारंगल थी, तो डी का वन हो जाएगा। तो इसमें से ए का टू, बी का थ्री, सी का फोर एंड डी का वन, राइट ऑप्शन बी होगा। किस अधिवेशन के दौरान किसानों की समस्या को लेकर गांधी जी से राजकुमार शुक्ल सबसे पहले मिले थे? तो 1916 के लखनऊ के अधिवेशन में, राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन सी घटना हुई? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी नवंबर 1928 में, 1928 ट्रेड डिस्प्यूट एंड सेफ्टी बिल ये आया था 1929 में। इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना हुई थी ये अप्रैल 1930 में, 18 अप्रैल 1930 को। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने किया था, उन्होंने यात्रा शुरू किया था 12 मार्च 1930 से, लेकिन उन्होंने नमक कानून को तोड़ा 5 अप्रैल 1930 को, तो 5 या 6 अप्रैल यहां से हो जाएगा, अप्रैल के फर्स्ट वीक में 1930। तो इसमें से सबसे पहले जो घटना हुई वो लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई, सो राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में कौन सा असहयोग आंदोलन के कारण थे? रौलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड ये भी था कारण, हंटर कमेटी की रिपोर्ट ये भी थी, तो उपयुक्त सभी सही, राइट ऑप्शन डी होगा।
बाल गंगाधर तिलक की सजा के पश्चात किसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? मैक्स मूलर ने राइट ऑप्शन बी होगा। पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह को प्रोत्साहन करने तथा सती प्रथा पर रोक लगाने वाला वायसराय कौन था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? प्रथम कर्नाटक युद्ध, एक्सला सापेल, इससे संबंधित है, यह सही है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध से संबंधित है पांडिचेरी की संधि, यह सही है। तृतीय कर्नाटक युद्ध से पेरिस की संधि, यह भी सही है। तो उपर्युक्त सभी सही, राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन सुमेलित हैं? आर्य महिला समाज की स्थापना पंडिता रामाबाई ने की थी, ये सही है। 1850 के दशक में विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की स्थापना विष्णु शास्त्री पंडित जी ने की थी, ये सही है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे, ये सही है। तो उपर्युक्त सभी सही, राइट ऑप्शन डी होगा। सती चौरा घाट की घटना इनमें से किस घटना से जुड़ी थी? 1857 के विद्रोह से, राइट ऑप्शन ए होगा। असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से किसने अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया था? महेंद्र प्रसाद ने, राइट ऑप्शन सी होगा। पिलग्रिमेज टू फाइव किंगडम ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक थे, तो इसके लेखक थे चीनी यात्री हाइचो, तो इसमें से कोई नहीं होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। लॉर्ड बेलेजनी ने अपने राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सा उपायों का सहारा लिया था? तो सहायक संधि प्रथा, पहले से अधीन बनाए जा चुके शासकों का क्षेत्र हड़पना, खुला युद्ध, इन तीनों का। उपर्युक्त सभी, राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में कौन महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रम में सुमेलित नहीं था? फिनिक्स फार्म डर्बन में था, ये गांधी जी के द्वारा स्थापित ही फार्म था, ये सही है। टॉल्स्टॉय फार्म जोहान्सबर्ग में गांधी जी के द्वारा ही स्थापित किया गया ये फार्म था, ये भी सही है। सेवाग्राम आश्रम ये वर्धा में स्थापित किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, तो ये तीनों महात्मा गांधी जी के द्वारा स्थापित आश्रम हैं। तो उपर्युक्त सभी, ये सभी जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा स्थापित प्रमुख आश्रम ही हैं, तो कह रहा है कि नहीं है, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं होना चाहिए। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की गतिविधियों में दो लड़कियों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया, इनमें कौन नहीं है? तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी एक अल्पकालिक क्रांतिकारी सेना थी जिसके सूर्यसेन और अनुशीलन समिति के सदस्यों ने 1930 में बनाया था। सेना को चटगांव शहर और बंगाल प्रेसिडेंसी को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के उद्देश्य से बनाया गया था। इसमें प्रीति लता वाडेकर तथा कल्पना दत्त दोनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो इसमें से उपर्युक्त में से ये दोनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, सिस्टर निवेदिता ने भूमिका नहीं निभाई थी, राइट ऑप्शन सी होगा। वह कौन पहले मुस्लिम नेता थे जिन्हें स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फांसी दी गई थी? अशफाक उल्ला खां थे, राइट ऑप्शन ए होगा। किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? पीर मोहम्मद मुनीस ने, राइट ऑप्शन बी होगा। कांग्रेस के 27वें अधिवेशन जो कि पटना में हुआ था में महामंत्री किसे बनाया गया था? तो इस अधिवेशन में अध्यक्ष बनाए गए थे आर.एन. मधोलकर, जबकि महामंत्री बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा और स्वागत समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे मजहरुल हक, तो सच्चिदानंद सिन्हा होगा, राइट ऑप्शन बी। महाधिवक्ता श्री बलदेव सहाय ने किस घटना के दौरान महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, राइट ऑप्शन ए होगा। अभी बिहार ही ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है एवं हमारे लिए उदाहरण बन सकता है, यह कथन गांधी जी ने कब दिया था? 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र के समय नहीं, 1941 में बिहार शरीफ में सांप्रदायिक दंगे के समय, ये सही है, राइट ऑप्शन बी होगा। कालानुक्रमिक क्रम में निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो कैबिनेट मिशन 22 मार्च 1946 को, तो मार्च 1946, ये 46 कर देते हैं। क्रिप्स मिशन आया था ये 22 मार्च 1942 को, 1942। बेवेल योजना ये 14 जून 1945। अगस्त प्रस्ताव ये 8 अगस्त 1940।
रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह हुआ था फरवरी 1946 में, 18 फरवरी 1946 को, 18/2/1946 को। तो इसमें से सबसे पहले जो घटना हुई वो हुई अगस्त प्रस्ताव 1940, उसके बाद में 2 यानी क्रिप्स मिशन 1942, उसके बाद में 3 बेबेल योजना 1945, उसके बाद में 5 रॉयल इंडियन नेवी, ये हुआ था 18 फरवरी 1946 को। उसके बाद देन कैबिनेट मिशन, ये मार्च 1946 को। तो राइट ऑप्शन बी होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास के संदर्भ में राजनीतिक सुधार के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे, राइट ऑप्शन डी होगा। ऐसा कौन सा कदम था जिसमें कंपनी के हाथों से राजनीतिक सत्ता छीन लेने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया था? तो वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, राइट ऑप्शन ए होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे आस्था आईएएस के फुल सिलेबस टेस्ट 1 के क्वेश्चंस। आप बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।